हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के लिए फिर से एक बार महत्वपूर्ण नोटिस निकल कर आ रही है। जिस उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट से जितनी बड़ी अपडेट मिलती है, उसी डिपार्टमेंट से उम्मीदवारों को उतनी बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। फिर से एक बार डिपार्टमेंट ने यह जाहिर किया है कि उम्मीदवारों को अपनी समस्याओं को लेकर डिपार्टमेंट तो हल तो करेगी, पर जो लगातार जो डेट की प्रक्रिया है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जो प्रक्रिया उम्मीदवारों को एक यहाँ पर जो है विश्वास दिलाई थी कि हम आपके साथ हैं, पर दोस्तों उन्हीं प्रक्रियाओं को लेकर UPNHM डिपार्टमेंट जो है फिर से उम्मीदवारों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है झलासा दे रही है, और लगातार जो उसकी डेट है वो एक्सटेंड कर रही है। कभी 2 दिन के लिए कर रही है, तो कभी 7 दिन के लिए कर रही है। और जैसे ही वो डेट जो है प्रक्रिया से करीब आ रही है, उन डेटों को UPNHM डिपार्टमेंट द्वारा फिर से आगे कर दिया जा रहा है, यानी कि तत्काल प्रभाव से उन डेटों को आगे किया जा रहा है, ना कि उन भर्तियों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो है नियुक्त किया जा रहा है। दोस्तों, डिपार्टमेंट अगर चाहे उन्हें डेट बढ़ाने के लिए वो तत्काल मीटिंग कर लेगी, और मीटिंग करने के बाद उन सभी डेटों को आगे कर सकती है। पर इसी तरह से अगर डिपार्टमेंट अपने कामों को लेकर, अपनी भर्तियों को लेकर, इन प्रक्रियाओं को लेकर अगर जल्द से जल्द जो है मीटिंग कर कर समस्या हल करती, तो आज यूपी के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं, भले ही वो संविदा बेसिस पर हैं, वो सारे उम्मीदवारों जिनको अपनी प्रक्रिया का इंतजार है, नई भर्तियों का इंतजार है, परमिशन मिलने के बाद भी उम्मीदवारों को अपनी भर्तियों का इंतजार है, कई लोगों को वेटिंग का इंतजार है, अगर डिपार्टमेंट इन सभी चीज़ों को सोचती तो उम्मीदवारों को आज यह चीज़ जो है लगातार यहाँ पर जो है देखने को मिलती, और उम्मीदवार जो है UPNHM डिपार्टमेंट से कहते, हर एक यहाँ पर कहते कि हमारा जो स्टेट है वो संविदा भर्तियों को लेकर, चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, चिकित्सा विभाग में जितनी भी कर्मी हैं वो सारे यहाँ पर जो हैं यूजफुल है उम्मीदवारों के भविष्य के साथ। वो लगातार यहाँ पर प्रयास करते हैं कि उनकी जो प्रयास है, उनकी जो मेहनत है, ज़्यादा समय तक यहाँ पर जो है बर्बाद ना जाए। पर दोस्तों, डिपार्टमेंट को अपने कार्य के बदलने के लिए, यानी कि अपने कार्य को हल्का करने के लिए और उसके कार्य को रोकने के लिए, यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट जो है अपने हित में फैसला लेती है कि उन्हें अभी डिपार्टमेंट से यह काम नहीं चाहिए, इसलिए इसकी डेट को यहाँ पर जो है एक्सटेंड करो। चलिए दोस्तों, वो क्या अपडेट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि डिपार्टमेंट क्या चाहती है और किस तरह से करती है, यह बताना आप सभी को बहुत ही जरूरी था, क्योंकि लगातार इसके रिगार्डिंग कल से हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर कमेंट आ रहे थे, साथ ही यहाँ पर यूट्यूब पर भी, यहाँ चैनल पर भी जाके कमेंट बॉक्स में उम्मीदवारों ने काफ़ी कमेंट किए थे। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम पर मैंने इस PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है रीड कर सकते हैं, और जितने भी उम्मीदवार हमारे चैनल स्टडी जोन से जुड़े हैं उन सभी को यहाँ पर जो है शुक्रिया, क्योंकि डिपार्टमेंट की हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर की जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 7 नवंबर की यह अपडेट है यहाँ पर जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो आज अपडेट हुआ है, यानी कि 7 नवंबर 2024 को अपडेट हो गया है नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा। यह जो नोटिस अगर आते हैं यहाँ पर जो है व्यू ऑल पेज पर आते हैं, तो नोटिस यहाँ पर आई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविदा कर्मी हैं वो आज से नहीं, अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सालों से लगे पड़े हुए हैं, तब जाकर उन्हें अपने होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पाने का एक चांस मिल रहा है, पर यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है उन चांसों को लगातार तत्काल प्रभाव से उनकी डेट को एक्सटेंड कर रही है, और डेट अगर इसी तरह से एक्सटेंड होगी तो उनकी प्रक्रिया भी एक्सटेंड होगी, उनके कार्य भी एक्सटेंड होंगे, और हर चीज़ जो है आगे वाले समय में एक्सटेंड किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप सभी के सामने, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर उम्मीदवारों ने जो एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और कई सारे लीडरों का भी सपोर्ट आया था, उसके बाद डिपार्टमेंट ने मीटिंग की यहाँ पर जो है, और मीटिंग करने के बाद यहाँ पर जो आर्टिकल निकला उसमें बताया गया कि अब उम्मीदवारों की जो मांगे हैं, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होम डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को अब जो है तैनात किया जाएगा उनके होम डिस्ट्रिक्ट पर, उनके सारे यहाँ पर जो है नोट रखे गए कि इस नोट के अकॉर्डिंग अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं करते हैं,
तो आप सभी को यहाँ पर बहिष्कार कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा फोर्ट से अगर इतने दिनों के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करते, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद भी। उम्मीदवारों ने सारी चीज़ें मानी, पर दोस्तों अब कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉकिंग होने वाली हैं। तो क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं आप सभी बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर आपके सामने एक PDF खुल के आ जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो पेज है वो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि आप सभी के सामने यहाँ पर यह नोटिफिकेशन आ रहा है जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए है। यानी कि आप सभी को पहले पता है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ 5 नवंबर का टाइम दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने डेट एक्सटेंड किया और यहाँ पर 7 नवंबर अपडेट दिया। पर दोस्तों कल रात को 6 नवंबर को इन्होंने कुछ ऐसा अपडेट दिया जिससे लगा कि उम्मीदवार कि फिर से डिपार्टमेंट यानी कि UP नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अभी कोई भी मूड में नहीं है। और इसलिए जैसे जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो डेट आ रही है, यानी कि जो यहाँ पर प्रक्रियाओं की जैसे जैसे यहाँ पर नज़दीक आ रही है, उसके एक दिन ही डिपार्टमेंट जो है लगातार नोटिस फेंककर उस डेट को एक्सटेंड कर दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि क्रमांक दिया गया है और जो नियम लागू किया गया था यानी 15/10/2024 को उनके माध्यम से लागू किया गया था संविदा हेतु यहाँ पर जो है वर्तीय यहाँ पर वर्ष 2024-2025 के यहाँ पर जो है पारंपरिक यहाँ पर जो है पुनः नियुक्ति लागू करने के लिए, जिसमें कि पहला डेट देख सकते हैं कि बताया गया था कि 5 तारीख को, फिर उसके बाद 7/11/2024 को 12 बजे तक किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 2/12/2023 तक आपके सभी के अंतिम दिन है यानी कि संशोधन करने के अंतिम दिन है। उसके बाद यहाँ पर देते हैं कि बताया जा रहा है कि पारंपरिक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो यहाँ पर निर्धारित अवधि दिन यहाँ पर जो है 7/12/2024 रखी गई थी यानी कि 12 बजे तक के मध्यम तक यह, और साथ ही उसके बाद यहाँ पर 2/12/2024 के यहाँ पर जो है अग्रित कारणों के कारण यहाँ पर जो है संशोधन, यानी कि कारण क्या है वो तो यहाँ पर जस्टिफाई करना चाहिए था क्योंकि उम्मीदवारों को जानने की चीज़ है। क्योंकि अगर उम्मीदवारों को उनसे कोई भी यहाँ पर जो है कार्य है तो उन्हें यह चीज़ जानने की चीज़ थी कि आखिर डिपार्टमेंट को इस डेट को क्यों बढ़ाया गया। यह नोटिस में वो शॉर्ट नोट में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए थी क्योंकि उम्मीदवारों तो कि वो कारण पता चले। वैसे तो उम्मीदवारों को कोई भी कारण नहीं है आखिर डिपार्टमेंट ने क्यों किया। डिपार्टमेंट तो यही उम्मीदवारों के मन में तो यही है कि लगातार जो है संविदा के लिए उन्होंने आंदोलन किया, कई प्रयास किया, इसलिए यहाँ पर जो है काफ़ी प्रेशर बना डिपार्टमेंट पर, तो उन्होंने ये नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को एक संभावना दे दी। पर लगातार डेट एक्सटेंड किए जा रहे हैं, पर उसके लिए भी नोट में यहाँ पर शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट नोट में हाइलाइटेड कर यहाँ पर उम्मीदवारों को उस चीज़ की अपडेट देनी चाहिए थी किसके कारण से यह चीज़ रोका गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा देखिए संशोधन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर देते हैं कि आपराधिक कार्य के कारण संशोधन कर दिया, दिनांक 14/11/2024 को यहाँ पर जो है 12 बजे से स्टार्ट होगी और यहाँ पर 14/12/2024 तक यहाँ पर की जाएगी। यानी कि सेम डेट, यानी कि जितने डेट को यहाँ पर बढ़ाया इधर के डेट में दिसंबर वाले डेट में, उतने ही डेट को यहाँ पर जो है और आगे बढ़ा दिया। तो यानी कि दोस्तों अभी के प्रक्रिया के अगर मेरे मुताबिक माने तो डिपार्टमेंट यह चीज़ जानबूझ कर रही है संशोधन करने को लेकर, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर डिपार्टमेंट का अभी कोई रंग रूप नहीं है। उम्मीदवारों ने काफ़ी प्रेशर किया था जिसके कारण इन्होंने यह नोटिस जारी किया गया था। मैं आने वाले समय में यह भी कह सकता हूं कि अगर जैसे ही यहां पर जो है 14 नवंबर होगा, आप सभी को 13 नवंबर को फिर से एक संशोधन की यहां पर जो है नोटिस देखने को मिल सकती है दोस्तों। ऐसा यहां तक मेरा मानना है क्योंकि 2 बार इन्होंने संशोधन की नोटिस यहां पर जारी कर दी गई है। तो आप सभी की क्या राय बनते हैं वो प्रक्रिया जरूर बताइएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि दिनांक 6/11/2024 को फिर से इन्होंने नोटिस यहां पर जारी कर दिया था और यहां पर उन्होंने कहा है कि 14/12/2024 तक यहां पर जो है की जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है आप सभी के साथ फिर से इन्होंने झलावा किया है। जैसे डिपार्टमेंटल हर भर्तियों को लेकर कर रहा है, हर नोटिस को लेकर कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर जो है म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर भी वो लगातार जो है यहाँ पर उम्मीदवारों के साथ छलावा ही कर रहा है। तो आप सभी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।